दोस्तों, मेरा नाम अनिल है। मैं फिर से आप लोगों के लिए एसबीआई का बेस्ट म्यूचुअल फंड लेके आया हूँ। आज हम बात करेंगे एसबीआई निगम मिड कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। बहुत बढ़िया फंड है। केवल आपने देखा होगा, मैंने लिखा हुआ 500 रुपये में आप करोड़पति बन सकते हो। बिल्कुल बन सकते हो, मार्केट रिस्क के साथ आए, पर डरने की कोई जरूरत नहीं। अगर आप धीरे धीरे पैसे जमा करते रहोगे एसबीआई निगम मिड कैप में, तो आप पक्का कन्फर्म है कि आप 2 करोड़ के आराम से पहुंच सकते हो। पर ये याद रखना कि हर महीने जमा कराना है हमें, ये नहीं है कि 2 महीने जमा कराएं फिर हम भूल जाएं। तो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा एसबीआई का सबसे बेस्ट म्यूचुअल फंड है। इसका नाम है एसबीआई निगम मिड कैप फंड। बहुत बढ़िया है। अभी ये मिड कैप कंपनी है, बाद में चल के बड़ी कंपनियां बननी है, आपको पता ही है। 29 जून 1987 को स्टार्ट हुआ था। एनएवी की बात करें 220 रुपये है। कोई भी म्यूचुअल फंड स्टार्ट होने से पहले हमेशा 10 रुपये पे स्टार्ट होता है एनएवी रेट। कभी भी लॉन्च हुआ होगा ये, उस टाइम इसका 10 रुपये रेट था। आज बढ़ते बढ़ते 220 रुपये हो गया। रेटिंग देख सकते हो आप, इसको 4 स्टार मिले हुए हैं। और फंड साइज की बात कर लेते हैं तो 15,957 करोड़ रुपए है। देखो, अगर गरीबी को मिटाना चाहते हो तो आपको म्यूचुअल फंड में आना ही पड़ेगा। चाहे आप 2 साल बाद आओ या 4 साल बाद आओ, यकीन नहीं है तो आप फोन पे से या गूगल ये सॉरी ग्रो ऐप से या फिर एसबीआई में जाके आप स्टार्ट कर सकते हो। 100-200 रुपये से एसबीआई में जाके 1,000 रुपये से स्टार्ट होगा। पर अगर आप फोन पे या ग्रो ऐप से करना चाहते हो तो 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये से भी स्टार्ट हो सकता है। इससे क्या फायदा होगा कि आपको मार्केट का पता लगेगा कि मैंने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया तो मेरा मतलब साल 2 साल हो जाएंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। फिर आप ज्यादा पैसे भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस एसआईपी को बढ़ाया भी जा सकता है। मान लो अगर आपने अभी 500 रुपये में स्टार्ट किया, आपको लगता है 2 साल बाद आपकी इनकम बढ़ गई है, तो आप इसको 1,000-2,000 रुपये कर सकते हो, तो आपके लास्ट में इनकम बड़ी हो जाएगी। तो मैं बता रहा था आपको फंड साइज 15,957 करोड़ रुपए है। होल्डिंग की बात करें 73 कंपनियां हैं। यही 73 कंपनियां आपको अमीर बनाएंगी। ये मैं लाइन पे हमेशा जोर डालता हूँ कि होल्डिंग, होल्डिंग का मतलब है कि इन्होंने कितनी कंपनियों में अपना पैसा होल्ड किया हुआ है। तो मैं आपको उनमें से 4 कंपनियों का नाम बताता हूँ। कई लोग कहते हैं कि पैसा डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा, गल जाएगा, सड़ जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ये एक बड़ा ही स्लो ट्रैक है, पर आपको आपकी मंजिल जरूर पहुंचा देगा, ये कंफर्म है मेरी बात। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को कॉन्फिडेंस हो गया है कि ये पक्का ऐसा सिस्टम है जो हमें सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान लेने के बाद में हमें अपनी मंजिल पे पहुंचा देता है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ उसके बारे में बताता हूँ। जो लोग कहते हैं कि बेकार है, वो मेरे को एक भी वीडियो दिखा दें कि म्यूचुअल फंड में पैसा उसका डूब गया है, मेरे को लिंक में भेज सकते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ इसमें से 4 कंपनियों का नाम। इसमें फर्स्ट है मैक्स हेल्थ केयर 2.20 के लिए, जेके सीमेंट 1.95 के करीब, टीवीएस मोटर 1.76 के करीब, मैनकाइंड फार्मा 1.41 के करीब। आप देख सकते हो मैंने 4 कंपनियों के नाम बताए हैं, जिसमें दो दो बड़ी बड़ी हेल्थ केयर की कंपनियां हैं और एक सीमेंट की कंपनी, एक टीवीएस मोटर की। 73 कंपनियों के नाम इस बोर्ड पे आते नहीं, इसलिए मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि आपका पैसा कहीं गलत जगह नहीं लगा हुआ है। एसबीआई की मैनेजमेंट है बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनको पता है कि आपकी पैसे की पावर को कैसे बढ़ाना है, तो अच्छी अच्छी कंपनियों में पैसा लगाते हैं वो आपके। ये नहीं है कि उनको ये पता होता है कि मार्केट में कौन सी कंपनी अच्छा काम करेगी कौन सी नहीं। और स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा कारण वो है, वो ये है होल्डिंग। स्टॉक मार्केट में एक कंपनी में पैसा लगाओगे, जैसे ये मैक्स हेल्थ केयर कंपनी है, आपने इसमें लगाया, पर यहाँ पे लगाया तो 73 कंपनियों में पैसा लग गया, इसलिए पैसा डूबता नहीं है यहाँ पे। आप डूबने की टेंशन से बिल्कुल निश्चित रहो, पर मार्केट रिस्क है ये कन्फर्म है। अगर म्यूचुअल फंड में आप आना चाहते हो तो कम से कम भी आप 20 साल से ऊपर की तरफ आओ। ये नहीं है कि अगर आप 5 साल के लिए आना चाहते हो तो आरडी एफडी में जा सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मान लो कई लोगों को 5 साल बाद पैसा चाहिए होता है, मैं कहता हूँ कि आप पैसे को जितने साल होल्ड करोगे उतना डबल होगा, पर 20 साल के बाद जो मजा आएगा ना, वो मजा लेना है तो म्यूचुअल फंड में आइए आप, वरना जहाँ पे पैसे आप डाल रहे हो डालते रहिए। मैं आपको इसलिए सलाह बता रहा हूँ, ये मैं इसलिए बोलता हूँ हर वीडियो मेरी, जैसे आरडी और एफडी हो गया, इसके अंदर में करीब करीब आपको 6% रिटर्न मिलेगा। वही पीपीएफ अकाउंट होता है पब्लिक प्रोवाइड फंड, इसमें 7.1 है। ईपीएफ है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, इसके अंदर में 8.1 है। तो आप देख सकते हो अगर सुकन्या योजना को भी अगर हम ले तो 8% के करीब है। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम है ये सारी स्कीम आपको 8% रिटर्न देगी, और महंगाई वो 7% बढ़ती है, आप 1% में रहोगे हमेशा। अगर यहाँ पे जाते हो तो आप 15 से 20 या 22% के रिटर्न में आते हो, वही पैसा आपका ग्रो करेगा, पैसा वही है, जमा वही कर रहे हो, वही यहाँ पे करने हैं, वही यहाँ पर करने हैं। पर यहाँ पे मैं आपसे जो मांग रहा हूँ वो टाइम है,
टाइम इसलिए मांग रहा हूँ, मान लो आपने पीपीएफ अकाउंट लिया, ये भी 15 साल लेता है, ये भी 15-20 साल चलता है, ये भी 20 साल चलता है, तो आप देख सकते हो आरडीएफटी है, ये 5 साल के लिए होती है, ये करवा सकते हो। ये इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लो आपको अर्जेंट में कोई मकान बनाना है तो पैसा रख सकते हो, अदरवाइज आपको लग रहा है कि मैंने रिटायरमेंट की तैयारी करनी है तो आप म्यूचुअल फंड में आइए और टाइम का सही इस्तेमाल कीजिए। जो लोग ये बोल देते हैं कि मतलब ये खराब है, बेकार है, वो आपका टाइम मतलब वेस्ट कर देंगे, फिर आपका म्यूचुअल फंड में आने से कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि आपके पास में नौकरी अगर कम बची हुई है तो आप पैसा नहीं जमा करा पाओगे, पैसा नहीं जमा करा पाए तो आपको 2 करोड़ रुपए निकल पाएंगे। तो आगे बात कर लेते हैं हम इसकी एक्सपेंस रेशो की, 0.83 के करीब एग्जिट लोड की बात करें 1% है, 1 साल से अगर पहले पैसे निकलोगे, एम की बात कर लेते हैं 9 लाख करोड़ है, पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। आर रिटर्न की बात करें 22.32 है, 5 ईयर की बात करें 24.17, 3 ईयर की बात करें 24.44 है। केवल 500 रुपये की SIP, आज के टाइम में 500 रुपये कोई बड़ी बात नहीं है, हर हफ्ते हर बंदा थोड़ी बहुत पार्टी शार्टी कर लेता है, 500 रुपये खराब कर दिए, बीड़ी सिगरेट इत्यादि पी लिया या कुछ भी कर लिया। मैं कहता हूँ आप जो कर रहे हो बेस्ट होगा, पर मैं कहता हूँ कि अपने परिवार के लिए 500 रुपये निकालना भी ये सुपर बेस्ट है। इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपका जो लाइफ चल रही है ना, ये ऐसी चलती रहेगी, चाहे हम 500 बचाएं या 1000 बचाएं, लाइफ तो ऐसे ही निकलनी है। अगर 500 रुपये यहाँ डाल देते हैं तो लाइफ का 20 या 30 साल के बाद में चेंज होना कन्फर्म है। रिटर्न मानते हैं 22.23 के करीब 30 साल 1,80,000 रुपये पूरे जीवन काल में जमा किए हमने रिटायरमेंट की तैयारी में, और हमें मिल गए 2,42,606 रुपये। इतना पैसा हमें कभी भी नहीं मिलेगा 2 करोड़ रुपये। हम जीवन में कितना भी ताम झाम लगाएं या कितना भी कैलकुलेशन लगाएं, या अगर प्लाट के ऊपर देखते हैं, कई लोग कहते हैं प्लाट को ले लो तो बढ़ जाता है। मान लो आपने 100 गज का प्लाट ले लिया, एक स्कीम बताता हूँ आपको, 100 गज का प्लाट ले लिया, आपको चाहिए कि इसकी 2 गज बेच सकते हो क्या? आप नहीं बेच सकते। यहाँ से अगर आपको 2 लाख रुपये चाहिए तो आप लेके अपना काम चला सकते हो, अपना बच्चे का एडमिशन करा सकते हो, या जो भी आपको XYZ जो भी काम चाहिए वो करवा सकते हो, और इससे आप मकान भी ले सकते हो, प्लाट भी ले सकते हो, दुकान भी ले सकते हो, पैसा इतना हो जाएगा आपके पास में। अगर कुछ भी लेना नहीं चाहते तो आपको इसको SWP में डाल सकते हो, ये आपका फिर पेंशन प्लान में चला जाएगा, महीने भर आप 15-20-30 हज़ार रुपये जितना चाहिए जीवन भर लीजिए टेंशन फ्री। तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो म्यूचुअल फंड के बारे में बेहतरीन बताने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद आपका।